नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन नजर पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर। लाल किले पर हंगामे करने वालों पर राजद्रोह का केस दर्ज होगा। भारत में कोरोना मामलों में गिरावट, 1,75,000 एक्टिव केस। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं। सीएम योगी ने डीएमएसपी को हर जगह किसान प्रदर्शन खत्म करने के लिए दिया आदेश। पश्चिम बंगाल विधानसभा में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव को किया पारित। देश में अब तक 25,07,000 लोगों को लगा कोरोना का टीका। करते हैं इस वक्त की किसानों से जुड़ी है बड़ी खबर, आपको बता रहे हैं किसान आंदोलन से जुड़ी। गाजीपुर बॉर्डर पर माहौल तनावपूर्ण हो गया है। बॉर्डर पर भारी पुलिस बल जो है तैनात कर दिया गया है, और किसी भी वक्त राकेश टिकैत की गिरफ्तारी हो सकती है। टिकैत के लिए जेल भरने के लिए तैयार, और बुलडोजर चलेगा तो बहुत बुरी स्थिति होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे किसान आंदोलन से जुड़ी। गाजीपुर बॉर्डर पर माहौल पूरा तनावपूर्ण हो चुका है। भारी पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिया गया है, और जो उनके टेंट से किसानों के उसको भी पुलिस हटा रही है, और वहां पर जो लोग हैं उनको खाली कराने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। और राकेश टिकैत, जो खबर सामने आ रही है, किसी भी वक्त वो अपनी गिरफ्तारी दे सकते हैं। तो बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी। हिंसा के बाद माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है। शांति का नारा दिया गया था किसानों की तरफ से, लेकिन ये जो आंदोलन है वो अशांति से जो है वो खत्म होने के कगार पे है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किसान आंदोलन से जुड़ी। जिस तरह से सबने देखा कि गणतंत्र दिवस के दिन क्या हुआ, लाल किले पर क्या हुआ, और उस हिंसा के बाद पूरा माहौल बदल चुका है। पुलिस जो है वो सख्त हो चुकी है। और आपको ये भी खबर हम बता दें कि गाजीपुर प्रशासन ने अल्टीमेटम किसानों को जारी कर दिया है कि वो इस आंदोलन को खत्म करें। और जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि राकेश टिकैत वो अपनी गिरफ्तारी कभी भी दे सकते हैं। और एक अपडेट ये भी आ रही है कि राकेश टिकैत ने कहा है कि लाल किले पर जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करे। जो अपडेट सामने आ रही है वो आपको हम बता रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि लाल किले पर जो कुछ भी हुआ वो उसकी निंदा करते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करे। और उन्होंने ये भी कहा कि दीप सिद्धू जो शख्स दिखा था, दीप सिद्धू उसका कनेक्शन किस पार्टी से है, कहां से है, जांच का विषय है। हरिनाम सिंह जुड़ चुका हमारे साथ, किसान नेता है। हरिनाम जी, माहौल पूरा बदल चुका है हिंसा के बाद। राकेश टिकैत जी कभी भी अपनी गिरफ्तारी दे सकते हैं। भारी पुलिस बल गाजीपुर बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है। अच्छा, दमनकारी जब सरकार की नीति हो, जो सरकार पिछले जब से ये कानून आया है इस जुगत में लगी थी कि हम किसानों को कैसे बदनाम करके, किस तरीके से बदनाम करके यहाँ से हटाएं, सरकार वो सब अपनी मंशा में सफल हो गई। राकेश टिकैत ने गिरफ्तारी की बात, अच्छा एक बात बताओ, हम गिरफ्तारी के अलावा क्या कर सकते हैं? हम सरकार का काम है राकेश टिकैत को जेल भेजे, हम भी गिरफ्तारी देंगे, पूरे देश का किसान गिरफ्तारी देगा, जेल भरो, आंदोलन चलेगा, जेल जाएंगे। ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। सरकार कुछ कर ले, हर मोर्चे पे हम शांति व्यवस्था बना के इस आंदोलन को चलाएंगे। ये आंदोलन गांव से चलेगा। आदित्यनाथ जी ने भी जो है उत्तर प्रदेश में जहां जहां आंदोलन हो रहा है तो सभी डीएम एसपी को यह आदेश दे दिया है कि किसान के आंदोलन को खत्म किया जाए, कराया जाए। भाई एक बात, जिस देश में मोदी देश के प्रधानमंत्री जब से बने हैं, इस देश में क्या बचा है? एक एग्रीकल्चर सेक्टर था जिसको बेचने के लिए कसम खा ली मोदी ने। आप बताओ, एयरपोर्ट बिका, बिका, सब कुछ बिक गया। देश का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसको बेचने की जुगत में सरकार थी, उसको बेच दिया। अब देश की जनता जाने, राम भक्त जाने, मोदी भक्त जाने, कल इस कानून के आने के बाद में इंतजार करे इस देश की जनता। जो किसान को 1868
रुपए धान का जो एमएसपी था 1700 की जो मक्का 900-800 में बेचने के लिए किसान मजबूर होया, वही चीज जाके माल में एक गन्ना किसान का 0-0 पर्ची। एक अपडेट हमारे पास आ रही है कि किसान नेता युधवीर सिंह का बड़ा बयान सामने आया है, वो कह रहे हैं कि ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा, खत्म नहीं होगा। ये हम कहाँ कह रहे हैं खत्म होगा, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आंदोलन शांतिपूर्वक के चलता रहेगा। सरकार गिरफ्तार कर ले, जेल भेज दे, हम शांति के पुजारी हैं, हमने हिंसा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी मोदी के साथ जो खड़े होके फोटो खिंचाते हैं, अमित शाह के साथ खड़े होके फोटो खिंचाते हैं, जो सांसद का प्रतिनिधि है वो जहां हमारा राष्ट्रीय ध्वज, इसके लिए सजा का दोषी कौन है? देश का प्रधानमंत्री दोषी है, देश का गृह मंत्री दोषी है, किसान नेता राकेश टिकैत तो भारतीय किसान दोषी नहीं है। ये जिस तरीके से कर रहे हैं, इतिहास याद करेगा, आने वाला कल याद करेगा कि जब देश का किसान 0 डिग्री टेम्परेचर में खुले मैदान पे बैठा था। हरिनाम जी, आप देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री को दोषी कह रहे हैं, अगर वो दोषी होते तो 2 महीने से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तब सरकार ने कुछ नहीं बोला, तब कोई पुलिस वहां नहीं पहुंची, लेकिन जब आप लोगों ने माहौल बिगाड़ा, जब माहौल बिगड़ा वहां पर, तब सरकार ने एक्शन लिया है। हरिनाम जी, गणतंत्र दिवस के बाद तब सरकार ने एक्शन लिया है। मैं देश की मीडिया को प्राइम टीवी पे ये कह रहा हूँ, अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री ने अच्छा काम किया है, तो जितने मीडिया के चैनल है, प्रिंट मीडिया है, ले जाके मोदी को और अमित शाह को माला पहना उनका स्वागत करें, और किसानों को लाठी डंडे मार के गोली चला के पानी की बोछा डाल के भगा दे। किसान तो देश के अन्नदाता है, कोई कुछ नहीं कह रहा है, कोई ये नहीं। देखिए सुनिए तो, मोदी भक्त, देश के राम भक्त, देश के जो लोग मोदी और इनको अच्छा कह रहे हैं, वो अनाज खाना बंद कर दे। हम प्राइम टीवी से आज मांग कर रहे हैं आपके माध्यम से। अच्छा हरिनाम जी, एक बात आप बताइए, शांति का नारा आपने दिया था। हरिनाम जी, एक मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए आप। आप लोगों ने शांति का नारा दिया था कि शांति से जो है प्रदर्शन चलेगा। मैंने क्या शांति किया? हमारी बात को आप सुन नहीं रहे हो? जो रास्ता दिल्ली पुलिस ने दिया था, क्यों बैरिकेडिंग हुई, हम आपसे पूछ रहे हैं। तिरंगा ध्वज जहाँ फहराया जाता है, वो दूसरे धर्म का झंडा कौन लगाया है, उसको भी आप दिखाओ। राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन, देश का संगठन, राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र के साथ है। और मैं आपके चैनल से फिर कह रहा हूँ कि मोदी भक्त अनाज खाना बंद कर दे। भारतीय किसान यूनियन और टिकैत के सिपाही इस देश के किसी गरीब मजदूर जो देशभक्त है उसको भूख से नहीं मरने देंगे, और देश के साथ भारतीय किसान यूनियन खड़ी है। जो मोदी भक्त है वो अनाज आज से त्याग दे, दूध त्याग दे, सब्जी त्याग दे, अंजना ओम कश्यप त्याग दे, व्रत रख ले, अड़ो गुरस्वामी व्रत रख ले, सब कुछ त्याग दे, दैनिक जागरण प्रिंट मीडिया सब कुछ त्याग दे, अनाज खाना बंद कर दे। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग कर रहे हैं। अब तो जो वहां के बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर है, सिंघू बॉर्डर, वहां पर भी अब बिल्कुल हलचल तेज हो चुकी है, लोग सड़कें साफ हो चुकी है, रास्ता भी सामान्य हो चुका है, तो किस तरह से अब आंदोलन आगे बढ़ेगा आपका? ये शांतिपूर्वक मैं कह रहा हूँ, आंदोलन चल रहा है, चलता रहेगा। अच्छा, टिकैत साहब की गिरफ्तारी होगी, पूरे देश और पूरे प्रदेश में तुरंत उसके बाद गिरफ्तारी किसान देना शुरू कर देंगे। हम गिरफ्तारी देंगे, हम लखनऊ, हमारी तबीयत खराब है, मैं कल रात आया था, फीवर है, लेकिन मरेंगे तो भारतीय किसान यूनियन संगठन देश के किसानों के साथ मेरी आखिरी सांस जाएगी, लेकिन 3 कानून वापसी के बाद ही। हमारी जो मांग है, उस या तो सरकार एमएसपी को कानून बनाए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खत्म करे। कौन सी बुरी मांग कर रहे हैं? हमारा चावल, हमारा धान 1868 का 900,000 में बिक रहा, आप रेस्टोरेंट खाना खाने। ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है। सरकार की कुछ बात आप मानिए और सरकार कुछ बात आपकी माने, आप भी अपनी जिद पर क्यों मान ले? देश के प्रधानमंत्री किसान है, देश के प्रधानमंत्री तो व्यापारी है, चाय विक्रेता थे। अगर अडानी बड़ा व्यापारी है तो मोदी जी छोटे व्यापारी,
अच्छा चाय विक्रेता को क्या कहेंगे आप ही बता दो, वो तो दुकानदार कहा जाएगा, दुकानदार चाहे ठेला लगाने वाला हो। एक एकड़ का भी किसान किसान कहा जाएगा, 100 एकड़ का भी किसान किसान कहा जाएगा। तो अडानी और मोदी अंबानी में कोई फर्क नहीं है, वो बड़े व्यापारी है, मोदी जी छोटे व्यापारी थे। अच्छा, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए आप हरिनाम जी। मेरा सवाल आपसे यह है कि देश की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना क्या किस हद तक सही है? पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी ने जिस संपत्ति को नुकसान किया है उसके फुटरेज निकालो, उनके एड्रेस ढूंढो। अगर किसान यूनियन हरनाम सिंह वर्मा राकेश टिकैत का कोई आदमी है तो आप उस पर कार्रवाई करो। ठीक है, आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। ठीक है हरनाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जिस तरह से लगातार किसान आंदोलन 2 महीने से जारी है, अब जो है माहौल पूरा बदल गया। हिंसा के बाद से गाजीपुर और तमाम बॉर्डरों पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और प्रशासन किसान आंदोलन को खत्म करने का प्रयास कर रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी।